खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना। राजस्थान में अशोक सम्राट का जादू एक बार फिर से चल गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ज्वाइन करते ही पहले दिन राजस्थान में लाखों किसानों का कर्ज माफ कर का ऐलान किया है। इसके तहत सहकारी बैंकों में किसानों का पूरा ऋण माफ होगा, जबकि व्यावसायिक बैंकों के डिफॉल्टर किसानों का 2 लाख तक का ऋण माफ किया जाएगा। सरकार के आदेश के अनुसार किसानों का 30 नवम्बर 2018 तक का कर्ज माफ किया जाएगा। राजस्थान में करीब 47 लाख से ज्यादा किसानों ने ऋण ले रखा है, जिसमें 23 लाख से अधिक किसानों ने सहकारी बैंकों से अल्पकालीन ऋण लिया हुआ है, जबकि 24 लाख से अधिक किसानों ने व्यावसायिक बैंकों से ऋण रखा है। जो पात्र होंगे उनको आधा बना करके, और जो डिफॉल्टर है वो भी 30/11/18 तक, भले चाहे कॉपरेटिव बैंक के हों चाहे वो बैंकों के हों, उन तमाम लोगों का 30/11/18 तक जो डिफॉल्टर हैं उनका, और जो कॉपरेटिव बैंक में सभी का कर्ज माफ होगा। ये सब सीमा के राइट का सभी तरह का कर्ज माफ होगा, 2 लाख के अलावा अल्पकालीन और दीर्घकालीन बैंक में सभी तरह का जमा होगा। और इनका जो होगा वो मैंने कहा आपको कि 2 लाख तक का होगा, क्योंकि वो तो राष्ट्रीयकृत बैंक है, कॉमर्शियल बैंक से, ये तमाम भारत सरकार उठाएगी, तो करीब 18,000 करोड़ का भार पड़ेगा। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लाया है सोशल मीडिया इंटरव्यू, जहां पर इंटरनेशनल लेवल न्यूज रूम या फिर आपकी अपनी ब्रांडिंग का न्यूज रूम में प्रोफेशनल एंकर द्वारा लिया जाएगा इंटरव्यू। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। कॉल करें 9001-299-672 और विजिट करें www.mishimediasolutions.com। सहकारी बैंकों की बात करें तो उसमें किसानों को 1.5 लाख तक का अल्पकालीन ऋण मिलता है, इसलिए सहकारी बैंकों के ऋण पूरी तरह माफ होंगे, लेकिन व्यावसायिक बैंकों के केवल 2 लाख तक के ऋण माफ किए जाएंगे, जिसमें भी डिफॉल्टर्स किसानों के ही ऋण माफ होंगे। अशोक गहलोत के ऋण माफी के ऐलान के बाद ही राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि हमने कर्ज माफी के लिए 10 दिन लिए थे, लेकिन केवल 2 दिनों में ही 3 राज्यों में कर्ज माफी का ऐलान कर दिया गया। राजस्थान में कर्ज माफी के बाद में सरकार पर 18,000 करोड़ का वित्तीय भार आएगा, लेकिन राजस्थान सरकार के इस फैसले के बाद में किसानों को बड़ी राहत मिली है। राजनीति की हम करते हैं सारी बात, हर शख्सियत से यहाँ करते हैं मुलाकात, और राजस्थान की करते हैं पूरी बात। इस चैनल में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप राजस्थान के बारे में जानना चाहते हैं, इसीलिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और हमारी टीम का हौसला बढ़ाइए।